hello our inspiring doctors and engineers so today this is nishi your host and i welcome you all to our talk show where we are going to reveal the secrets that how to crack the most challenging exams of medical and engineering which is also known as iit jee and neat in india so be ready to get some tips tricks and some expert advice so that you can achieve your goals and destination

सी अगर हम देखें इस बारे में द करिकुलम दैट हैज बीन मेड फॉर योर जे एंड नीट द करिकुलम बिलोंग्स टू द क्लास प्लस एंड क्लास प्लस टू ओनली पर अगर हम इस जनरेशन की बात करें जे जी की बात करें तो आजकल के जो माइंड्स हैं बच्चों के दे आर फास्ट लर्निंग अगर आप hmm. देखो तो छोटे से छोटा बच्चा भी आज अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता है वाई दे आर डूइंग सो बिकॉज दे हैव गॉट स्ट्रोंग माइंड्स वो अर्ली एज में लर्न करना सीख पाते हैं सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो कोचिंग्स में भी ये फिनमिना आ गया दे हैव लॉन्च द प्री फाउंडेशन बैचेज फाउंडेशन बैचेज तो वो बच्चे का करियर भी अर्ली एज से स्टार्ट कर देते हैं शेप करना अब वो जरूरी क्यों है कि बच्चा प्लस वन प्लस टू तक ही क्यों ना वेट करे क्योंकि करिकुलम तो प्लस वन प्लस टू का आना जब बात प्लस वन प्लस टू की आती है अगर दो साल में ही बच्चे पर बर्डन डाला जाता है तो ही फिर आप सुनते हैं कि बच्चे आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं सो आई थिंक अगर हम एनसीआरटी बेसिस की बात करें लोअर क्लासेज में टू की बात करें सो हैव मेड अकॉर्डिंग टू द मास पॉपुलेशन हर बच्चे की नीड्स को देख कर बनाया गया है और अगर हर बच्चे की नीड्स देखें तो एक मिनिमम एजुकेशन देना चाहती है हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उस बेसिस पर तो एनसीआरटी में मिनिमम एजुकेशन का फंडा चलता है बट ईच एंड एवरी चाइल्ड सम ऑफ

तो लर्निंग कैपेसिटी विद एज कम ही होती है बढ़ती नहीं है इट सीम्स एज बढ़ रही है मेच्योर हो रहा है बंदा दैट दैट इज 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 देयर एक्सपीरियंस मेकिंग बट जो बच्चे की लर्निंग है मोर इन द लोअर एज आप बच्चा जब छोटा है आप उसे कुछ भी नहीं सिखाते पर वो बोलना अपने आप सीख जाता है क्योंकि जब घर में पेरेंट्स बात कर रहे हैं अदर फैमिली मेंबर्स आर टॉकिंग ही और शी लर्न इट तो वो अपने आप सीखता जाता है दैट मीन्स इट प्रूव्स कि लोअर एज में ज्यादा अच्छी ग्रोथ है अब हम बात करते हैं कि जो हम टॉपर्स अकेडमी पे करिकुलम फॉलो कर रहे हैं अब टॉपर्स अकेडमी पे द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट हैज बीन गिवन इन द एनसीआर पहले वो तो कंप्लीट करना ही करना है हर बच्चे को बट दैट इज द मिनिमम एजुकेशन बट अगर हम उसके आगे बात करें तो हमारे पास एन टी एस सी एग्जाम है एनएसओ है नेशनल साइंस ओलंपियाड आई एस ओ है इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड उनके स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई हैं उसके लिए बच्चे को एक से, सेवेंथ एथ के बच्चे को थोड़ा हायर लेवल एथ के बच्चे को थोड़ा नाइन्थ का करिकुलम का आइडिया होना चाहिए नाइन्थ वाले को थोड़ा टेंथ का होना चाहिए एंड दैट नॉट ओनली अप टू दी लेवल थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन भी आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है जबकि अगर हम बेसिक मिनिमम एजुकेशन की बात करें तो वहां पर सिर्फ लर्निंग की एक इस बच्चे को इस एज में इतना आना चाहिए बट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक अलग पार्ट है बच्चा स्कूल में जब जाता है तो स्कूल में बच्चे को डीप में पढ़ाया जाता है वो करिकुलम बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर इतना नहीं फोकस किया जाता जो हम यहाँ पर बहुत अलग से बच्चे के डीपीपीज हैं असाइनमेंट्स हैं और घर पर हम उसे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं देते जो कि आजकल बहुत ज्यादा इशू रहता है कि बच्चा बहुत बर्डन फील कर रहा तो वी डोंट नॉट गो फॉर दैट वी वॉन्ट हिम हिम और हर टू जस्ट परस्यू एडवांस लेवल क्वेश्चन बट इन अ डिसिप्लिन मैनर कि इतने टाइम में इतना करना है दैट्स इनफ फॉर हिम और

बेड पर उसे उसी टाइम सोचना है सो ही और शी शुड बी एबल टू गिव क्विक आंसर सो उसी तरह से करिकुलम जो नीट का बनाया गया है नीट के एग्जाम में क्या है दो सौ मिनट मिलते हैं बच्चे को दो सौ क्वेश्चन पढ़ने हैं 180 उसमें से अटेम्प्ट करने हैं सो ऑलमोस्ट एक मिनट में एक क्वेश्चन करना है बच्चे को और 180 में से भी जब 150 से ज्यादा करेक्ट करेगा वेन शी विल बी डूइंग मोर देन 150 फिफ्टी करेक्ट देन ही बी गेटिंग अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज बट अगर आप जेई को कंपेयर करें तो जेई में इसमें सेवेंटी फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने मार्क्स और उसमें से आधे भी सही करके आएगा तो वो जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा जे एडवांस में फिफ्टी परसेंटाइल लाएगा तो भी उसे आई में एडमिशन मिल जाएगा Obviously, जितनी अच्छी परसेंटाइल होगी उतनी अच्छी आई मिलेगी और उतना अच्छा ट्रेड और कोर्स मिलेगा उसे तो इंजीनियर को इमीजिएट डिसीजन नहीं लेने तो इंजीनियरिंग के जेई एडवांस्ड या मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डीप लर्निंग पे आते हैं डीप थिंकिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है यू कैन टेक टाइम सो 180 मिनट्स में आपको मैक्सिमम 75 फाइव अटेम्प्ट करने बट इन इनियर

उट फाउंडेशन एंड प्री फाउंडेशन उसमें हम नाइन्थ क्लास बच्चे को कॉमन चलते हैं उसे हम मैथ्स की, की देते हैं Obviously, जब बच्चा टेंथ में आएगा तो भी उसके पास exactly. दोनों सब्जेक्ट हैं साइंस और मैथ के करिकुल में तो दोनों है, उसे दोनों पढ़ने बट विद ओवर टाइम जैसे जैसे इवेंचुअली बच्चा यहाँ पर और ज्यादा ज्यादा पढ़ता है सो वी टेक दीचर मीट

कई बार बच्चे छोटी क्लासेस में ही कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर देते हैं और अपना खुद की जो कैलकुलेशन हैंड कैलकुलेशन या नोटबुक पर कैलकुलेशन उसे दूर भागते हैं तो अगर वो इश्यू आता है तो फिर ही और शी शुड रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग फॉर दी इंजीनियरिंग मेडिकल तो बच्चे में बच्चा नीट भी कर सकता है जेई भी कर सकता है दोनों में सेम सब्जेक्ट पढ़ने एक सब्जेक्ट का फर्क है बायोलॉजी और मैथ्स वो उसके पर्सनल इंटरेस्ट पर है लेकिन हाँ हम उसे जरूर गाइड करते हैं कि इफ यू थिंक दैट यू कैन गो फॉर स्ट्रोंगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास टाइम ज्यादा है लेकिन आप मुश्किल से मुश्किल सवाल भी कर सकते हो सो वी प्रेफर कि वो जेई के लिए जाए बट इफ वन स्टूडेंट इज अ क्विक लर्नर वो जल्दी से आंसर दे पाता है क्विक रिस्पॉन्स दे पाता है देन वी प्रेफर कि वो नीट के लिए जाए

कि आप रिविजन करो बार बार क्योंकि वो थेरेटिकल पोर्शन है ऑर्गेनिक में मकैनिज्म पे बार बार फोकस करो और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करो पर जो डिस्टिंक्टिव पार्ट है यहाँ पर वो यहाँ पर है वन ऑन वन डाउट सेशन का हर इंस्टीट्यूट हर एक बच्चे को गारंटी नहीं दे सकता कि हम उसको वन ऑन वन सेशन दे पाएंगे ठीक है अब डी भी हैं हमारे पास ठीक है बच्चा डीपीपी सॉल्व करके आता है डीपीपी में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है अगर आज के ठीक है वो ईच सब्जेक्ट चार सब्जेक्ट हैं पच्चीस क्वेश्चन हर सब्जेक्ट ही करके आया हंड्रेड क्वेश्चन लेकर आएगा अब क्लास में एक बार तो डीपीपी डिस्कस होगी कुछ बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सो द स्लो लर्नर्स वी गिव वीकली बेसिस उनके कोई भी एक भी डीपीपी के क्वेश्चन में एक भी डाउट ना रहे अगर वो बच्चा पहले दिन से डीपीपी ले उठा रहा आखिरी दिन तक अगर उसे डीपीपी का एक एक क्वेश्चन आता है उसका एक भी डाउट नहीं बचा तो देर इज नो चांस कि वो एग्जाम एक अच्छी रैंक के साथ क्लियर ना करे ही और शी इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ गुड ऑल इंडिया रैंक इन द एग्जाम क्योंकि उसे हर एक क्वेश्चन आता है उसने जितने डीपीपी में क्वेश्चन किए ना उसका कोई डाउट बचा लार्ज और आप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो इतना इजी नहीं रहता मोर आई नॉट से कि वो सिर्फ पैसे पर फोकस करते हैं बट उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो नहीं कर पाते हैं। हर बच्चे के साथ, बट वट वी वॉन्ट हेयर कि एक बच्चा चाहे आज वो एवरेज है कल वो टॉपर बन के निकले exactly. सो so, अगर हम नीट और आई की बात करें जो हमारे फाउंडेशन बैच के बच्चे होते हैं, दो दो साल के लिए खुद कंट्रोल करवाते हैं hmm.

पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतनी नहीं होती वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते ठीक है तो वो चीज भी नहीं काम आती तो कोचिंग्स आर नेसेसरी जो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाते हैं पर स्कूल्स भी नेसेसरी हैं ठीक है डमी स्कूल्स एक अब कुछ बच्चे हैं अगर आप पूरे कोटा की बात करें ईच एंड एवरी स्टूडेंट देयर इज अ डमी स्कूल स्टूडेंट सात बच्चे सुबह कोचिंग पढ़ते हैं शाम में पढ़ते हैं सारा दिन कोचिंग कोचिंग करनी है अब स्कूल भी जाएगा बच्चा फिर कोचिंग भी जाएगा तो सेल्फ स्टडी कब करेगा सो इट इज माई पर्सनल ओपिनियन कि स्कूल्स को अपना टाइम थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए कि बच्चा कन्विंस हो कि मुझे स्कूल भी जाने में फायदा होगा अब ये स्कूल्स की जो पॉलिसी है कि वो बच्चे को सुबह आठ बजे बुलाएंगे तीन बजे छुट्टी होगी उस वजह से बच्चे फिर रिफ्रेन करते हैं और डमी स्कूल्स में जाना प्रेफर करते हैं बट आई वॉन्ट थोड़ा अपना करिकुलम चेंज करे, थोड़ा टाइमिंग्स नॉट फॉर ऑल क्लासेस बट फॉर एटलीस्ट प्लस प्लस टू कि वो अपना स्केड्यूल तीन से चार आर के अंदर खत्म करे ताकि बच्चा वहां भी जाए तीन से चार घंटे वहां पढ़े तीन से चार घंटा कोचिंग पढ़े आठ घंटे उसके बाद थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल रिविजन सेल्फ स्टडी करे एंड ही इज गुड टू गो और लाइफ भी है वो भी जीनी है सिर्फ पढ़ाई तो है नहीं कई बच्चे करते हैं सिर्फ पढ़ाई 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 सब कुछ छोड़ देते हैं एंड दैट इज नॉट लाइफ भी नॉलेज you है okay, so, सो so, हम क्लासेस में कोचिंग में कैसे उसको बच्चों को समझा सकते हैं तो थोड़ा टाइम पहले ही नीट और जेई ने सिलेबस रिड्यूस किया था अपडेट किया तो कुछ ऐसे बहुत सारे थे थे, थे। जो सिर्फ सिर्फ वाले थे, रटने वाले रटने ठीक so, uh, okay. है। इंक्रीज so the, the जहां पर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा है ठीक है तो अगर हम स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल तीनों के प्रैक्टिकल पोर्सन की यूनिट्स तीन अलग अलग यूनिट्स हैं जो करिकुलम में एडिड है तो दे आर दे गिव यू सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ थेरेटिकल नॉलेज पर आपको क्वेश्चन आते हैं तो तीन यूनिट्स हैं आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की यूनिट है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस है प्रिपरेशन की हैं और फिर टाइट्रेशन वगैरह भी हैं. सब कुछ है आपके केमिस्ट्री के करिकुलम में तो केमिस्ट्री में अगर ये सब कुछ है तो उसे समझाने के लिए फिर क्या है वी प्रेफर कि हम थोड़ा बहुत बच्चों को एक्सपेरिमेंटल नॉलेज दें प्रैक्टिकल्स करवाएं बिकॉज अगर वो डमी स्कूल्स में जा रहे हैं जैसे आपने मुझसे पहले पूछा तो अगर वो डमी स्कूल उन्होंने ऑप्ट किया है दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट कई बार कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो बच्चा कितनी बार भी पढ़ ले उसे नहीं समझ में आ रहा होता बट इफ यू गिव हिम अ डेमोन्स्ट्रेशन आपने उसे परफॉर्म करके दिखाया यू मिक्स टू लिक्विड्स कलर चेंज ऐसे सो दोज विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रांगेस्ट मेमोरीज

उसने करिकुलम तो एक बार पढ़ा होगा ठीक है प्लस वन का करिकुलम उसने प्लस वन में पढ़ा है प्लस टू में उसने प्लस वन का फिर से पढ़ा होगा क्योंकि प्लस टू का करने के लिए आपको प्लस वन की नॉलेज आनी चाहिए तो प्लस वन की रिवीजन करता है बच्चा फिर प्लस टू का पढ़ता फिर बोर्ड के एग्जाम्स देने होते हैं फिर से रिवीजन करते हैं तो करिकुलम की ऐसा नहीं होता कि एक किसी बच्चे ने करिकुलम नहीं पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा बहुत रेयर कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसने सोचा ही प्लस टू के बाद की मैंने जेई या नीट करना जिस बच्चे ने नीट या जेई करना है उसने सोच प्लस वन की स्टार्टिंग में ही लिया होता दैट आई हैव टू गो फॉर जेई और नीट अकॉर्डिंग टू हिज और हर करिकुलम कि वो मेडिकल का है या नॉन मेडिकल का पर अब अगर वो ड्रॉपर में आया तो सिलेबस तो उसने एक बार किया है ठीक है जनरली बच्चे भी यहाँ आते हैं हम ड्रॉपर्स बैच में उन्हें पढ़ाना शुरू करते हैं वो कहते हैं सर ये तो हमें आता है कुछ नया बताओ सर ये भी हमें आता है कुछ नया बताओ नया कुछ नहीं है ड्रॉपर्स बैच में मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहता है like basis, पर अगर हम बात करें, की, उन्हें स्कूल भी नहीं जाना उन्हें तो डमी स्कूल भी नहीं है ना एग्जाम्स देने हैं ड्रॉपर है तो वो प्लस टू पास है ऑलरेडी तो उसके पास दिन में ज्यादा टाइम है तो दिन में ज्यादा टाइम है सो वी गिव दम फिफ्टी टू सिक्सटी क्वेश्चन पर सब्जेक्ट डेली ताकि वो दो सौ से ढाई सौ करें He or she just needs ही और शी जस्ट नीड्स टू प्रैक्टिस क्वेश्चन क्योंकि उन्हें करिकुलम आता है उन्होंने अपने नोट्स भर रखे हैं इतनी नोटबुक्स होंगी उनके पास ड्रॉपर बच्चा आएगा पिछली नोटबुक्स भी उठा के लाएगा सर देखो ये मुझे मैंने पढ़ा है आप कुछ नया कराओ कुछ मजा नहीं आ रहा तो उन्हें मजा तब आने लगता है जब वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं दे आर डूइंग टू फिफ्टी क्वेश्चन ईच डे और टू में से अगर वो पहले दिन वन कर पा रहे हैं लास्ट डे हमारा ऑप्शन रहता है कि एटलीस्ट ही और शी शुड बी एबल टू डू 245 प्लस अगर okay. वो लास्ट डे जब यहाँ पर है एग्जाम्स देने से पहले तो वो 250 क्वेश्चंस के आसपास 245 प्लस तो उसे आने ही आने चाहिए उस डीपीपी के ओके थैंक यू सर सो एक लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा शार. कि आप कुछ अपनी तरफ से कोई टिप्स या ट्रिक्स बच्चों को बताना चाहे स्पेशली फॉर केमिस्ट्री आई वुड से तो क्या होंगी सी केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बस यही टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूंगा इनऑर्गेनिक है हमारे पास ऑर्गेनिक है फिजिकल है क्वेश्चन लगाओ जितने से ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो इनऑर्गेनिक में रिविजन करो थेटिकल क्वेश्चन आना है हर बार सेम क्वेश्चन आना है कुछ नया नहीं आता इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में रिविजन करते रहो बार बार पढ़ो ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म लिखो बार बार लिखते रहो एक बार मैकेनिज्म लिखो दो बार लिखो तीन बार लिखो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल लिखना मत भूलना जितना टेबल आपको याद होगा एक सौ अठारह का एक सौ अठारह एलिमेंट कोई नहीं आपको इनऑर्गेनिक में मार्क्स लेने से रोक सकता बात रह गई फिजिकल की फिजिकल में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आएंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं पर अगर न्यूमेरिकल आपको आता है तो कॉन्सेप्ट तो आप लगा लोगे क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्मुला तभी डेराइव कर पाओगे ठीक है तो फॉर्मुलाज लगाओ फिजिकल में क्वेश्चंस करो मैकेनिज्म करो ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में मल्टीपल रिविजन मारो सिंपल फंडा है क्वेश्चंस करो बहुत सारे एंड देन यू आर गुड टू गो so thank you so much sir for being with us and to help our students thank you so much sir. thank you ma'am thank you so much and uh, for these such more videos uh, you can uh, like subscribe and share our videos